ओके हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिकेत। आप लोग देख रहे हैं अनिकेत एक्सप्लेन चैनल को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग डारिया और निक नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल में साइकिलिंग करने यहाँ पर आया हुआ था। इसके बाद हम एक बीस्ट को देखते हैं जिसका नाम थ्री फिंगर होता है और वो यहाँ पर मौका देखते हुए निक के यहाँ पर हमला कर देता है। निक उस हमले से घायल हो जाता है पर वो उस हमले से फिर भी बच जाता है। अब कुछ देर बाद थ्री फिंगर निक के ऊपर डायरेक्ट फिर से हमला करता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर डारिया वहाँ से भाग रही होती है, तभी उसका जो फेस था वो एक वायर में अटक जाता है और उसकी भी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। यहाँ पर हम उन तीनों ब्रदर को देखते हैं यानी कि थ्री फिंगर, वन आई एंड सॉ टूथ को। ये लोग यहाँ पर उसको मार देते हैं। अब अगला सीन चेंज होता है, हम लोग यहाँ पर पांच दोस्तों को देखते हैं जिनमें से एक नाम चार्ली, रॉड, जूलियन, ब्रायन एंड विक होता है। यहाँ पर एक इनका एक दोस्त होता है डैनी, जिसको यहाँ पर अभी अभी ये मैसेज मिला होता है कि ये जो जिस रिजॉर्ट में लोग घूमने आए थे ये रिजॉर्ट उसी का ही, ये उस रिजॉर्ट का वारिस है। पर दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि ये अपनी यहाँ पर आत्महत्या करने आया था और वो ज़िंदगी से परेशान हो गया था, पर ऑन द स्पॉट ज़िंदगी ने ही उसको ये गिफ्ट दे दिया कि अब ये रिजॉर्ट उसका है। यहाँ पर अब हम लोग दो लोगों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम सैली और एक का नाम जॉनसन होता है और ये दोनों भाई बहन होते हैं। और यहाँ पर डैनी भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ इन दोनों का ही ब्रदर होता है। ये लोग डैनी का वेट कर रहे होते हैं कि वो कब आए, पर यहाँ पर वो लोग हैरान हो जाते हैं ये देख कर कि डैनी तो अकेला आने वाला था पर यहाँ पर अपने दोस्तों को भी साथ क्यों ले आया। पर कोई नहीं, यहाँ पर सीन फिर से चेंज होता है और हम लोग यहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जिसके ऊपर एक कुल्हाड़ी आकर लगती है और हमें यहाँ पर यह पता पड़ता है कि ये जो कुल्हाड़ी थी वो थ्री फिंगर की थी जो कि इस फिल्म में एक बीच था। उस औरत की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है और यहाँ पर हम जॉनसन को देखते हैं जो उस औरत को देख रहा था। वो उसके सारे जो जितने भी सबूत थे उन सबको निकाल देता है पर वो वहाँ पर उसको एक्स को नहीं निकाल पाता। अब हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी फ्रेंड्स थे इनको जॉनसन और सैली इनके रूम में लेकर जाता है और कहता है कि ये तो आप लोगों के पर्सनल रूम है। पर फिर भी जो डैनी था वो उसकी एक फ्रेंडशिप चल रही थी यानी कि वो रिलेशनशिप में था एक और से, पर उनके रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रही थी। अगला सीन चेंज होता है और हम लोग यहाँ पर जॉनसन को देखते हैं जो उन तीनों बीस्ट के पास आया हुआ था और यहाँ पर हमें पता पड़ता कि वो जो तीनों बीस्ट थे वो जॉनसन के ही ब्रदर्स थे। अगले दिन यहाँ पर जो सैली होती है उनकी एक फ्रेंड, वो वहाँ पर जॉनसन को खून साफ करते हुए देख लेती है पर वो उसको इग्नोर करती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो लड़की सैली न्यूज़पेपर में अगले दिन ही बोर्ड पर टका हुआ उस औरत का ही नाम देखती है और उसका फेस देखती है जिस औरत की पिछले दिन मौत हो गई थी और जिसका खून यहाँ पर जॉनसन साफ कर रहा था। पर ये सब देखकर सैली को कुछ अजीब लगता है। अगला सीन दोस्तों यहाँ से चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जॉनसन डैनी को अपने पुश्तैनी एक कुछ वेपन्स दिखा रहा था और उसे कहता है कि हम चलो शिकार करने चलते हैं। वो वहाँ पर शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं जिसके कारण डैनी एक हिरन को मार देता है जो कि ऑन द स्पॉट ही उसके तीर से मर जाती है। अब यहाँ पर निक को बहुत ज़्यादा डैनी की चिंता होने लगी थी, वो वहाँ पर विक को भेजता है डैनी को बुलाने के लिए और वो वहाँ पर एक बीस्ट को उस हिरण को खाता हुआ देखता है और वहाँ से वो भागने लगता है। भागते भागते दोस्तों उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है और ये दोनों गिर जाते हैं और ये दोनों ही उस एक वायर में फंस जाते हैं जिसमें मूवी की शॉटिंग में डार्सी फंसी थी। अब इस वायर से विक तो निकल ही चुका था और वो मदद बुलाने के लिए होटल में जाता है, तब वहाँ से जॉनसन आता है और डैनी को उस वायर से दोस्तों बाहर निकलता है। अब यहाँ से दोस्तों जो है सीन जो है वो फिर से चेंज होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉनसन टोनी को यहाँ पर भेजता है जो कि एक लड़की थी उससे केयर टेकर थी उस होटल की, वो वहाँ पर उसको डैनी के पास भेजता है उसको उसकी पुश्तैनी दे एक दवाई लगाने के लिए उसके पुरोहित होगी। पर यहाँ पर तभी यहाँ पर टोनी आ जाती है जो कि उसको ये सब करने से रोक लेती है क्योंकि यहाँ पर जो वो लड़की थी वो वहाँ पर डैनी के साथ इंटीमेट होने वाली थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डैनी है वो सारी दवाइयों को फेंक देता है और डिनर टेबल पर आता है। ये सब लोग यहाँ पर बीती रात की बातें कर रहे थे और ये सब कहते थे कि अब तुमको ये जो रिजॉर्ट है वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पर दोस्तों डैनी जो है वो इन बातों को नहीं मानता है और यहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ पर दो कपल को देखते हैं जो नहीं कि डैनी के ही फ्रेंड थे, वो यहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगता तो वो जा रहे थे, पर ये दोनों कंजूसी होने के कारण ये लोग यहाँ से कुछ एंटिक सामान भी चुरा कर ले जा रहे थे जिसके कारण ये दोनों अपने उन्हें बेच सके और अपने लालच को सेटिस्फाई कर सके। अगली बार हम लोग देखते हैं कि ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं उसी के एक एंटिक स्टोर में यानी कि उस होटल की ही एंटिक स्टोर में जहाँ पर एंटिक सामान था, ये लोग वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ पर पीछे से एक बीस्ट आता है और ब्रायन को मार देता है और ये तीनों ब्रायन को खाने लगते हैं।
यहाँ पर दोस्तों ब्रायन को सैली आती है ब्रायन के पास और वो अपनी इंटीमेट होना चाहती थी ब्रायन के पास, तो वो उन तीनों राक्षसों को रोक देती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर जो है दोस्तों जॉनसन आ जाता है और उसको रोकने लगता है और कहता है कि तुम मेरे ब्रदर यानी कि डैनी के साथ ही रहो और मैं चाहता हूँ कि तुम पवित्र रहो और उससे शादी करो। यहाँ पर सैली उस आदमी का यानी कि ब्रायन का गला घोटकर उसको मार देती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सैली डैनी के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम इस रिजॉर्ट को उनके अपने ब्रदर्स के हल पर ही छोड़ दो और यहाँ से चलो, ये सब चीज़ बेकार है। पर डैनी उसकी बातों को नहीं मानता और वो फिर से अब उस रिजॉर्ट में आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डैनी अपने ब्रदर जॉनसन और अपनी सिस्टर सैली के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था और वो यानी कि जॉनसन और सैली उसको एक ड्रग्स दिलाते हैं और उससे बातें करते हैं कि ये सब चीज़ तुम्हारी है। मतलब वो लोग उसके डैनी के माइंड में ये भर देते हैं कि ये सब चीज़ तुम्हारी है और इसके बीच में जो चीज़ भी आएगी तुम्हें उसे किसी को भी नहीं छोड़ना है क्योंकि तुम्हें आगे चल के एक बिलियनियर बनना है। ये सारी बात डैनी के मन में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों बीच उसके दोस्त विक को मार रहे थे और वो उसको मारकर उसका खून निकालते हैं, उसकी पार्टी करते हैं। वहाँ पर वो लोग कुछ उसका अपने फ्रेंड का खून विक को भी दे, विक का खून डैनी को भी देते हैं और डैनी बिना कुछ सोचे समझे उस खून को भी पी जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पर टोनी से मिलता है यानी कि अपनी फ्रेंड से मिलता है और वहाँ पर उसके दोस्तों जो फेस था उस पर खून लगा हुआ था। वो सब लोग उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि कल रात मैंने कुछ खाया था जिसमें से उसका जो ग्रेवी टाइप थी वो मेरे मुँह पर लग गई। वो वहाँ पर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि क्या हम घूमने बाहर चले, पर वो लोग मना कर देते हैं। जैसे ही फिर वो लोग बाहर जाते हैं वो लोग वहाँ पर जॉनसन को देखते हैं जो कि आदमी के मीट को पकाकर खा रहा था। वो लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। फिर वो आगे देखते हैं, वो देखते हैं कि जो विक था उनका फ्रेंड उसका जो हेड था वो वहाँ पर फ्रीज़र में जमा हुआ था, वहाँ पर कटा हुआ रखा था। तभी वहाँ पर वो तीनों बीस्ट आ जाते हैं जिसके कारण ये सब लोग डर जाते हैं और अपने आप को लॉक कर लेते हैं। वो तीनों बीस्ट वहाँ पर उनके एक दोस्त को पकड़ लेते हैं और उसके पेट में पानी भर देते हैं जिसके कारण उसका जो पेट था वो पूरा फट जाता है और वो वहाँ पर ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर हम सैली को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इस सीन को देखकर गुस्सा गई थी और वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि अब वो उन तीनों को नहीं छोड़ने वाले थे यानी कि उन तीनों बीस्टों को। तो वो गलती से एक गन उठाती है और वो वहाँ पर बेवजह की गन पॉइंट करने लगती है और मारने लगती है जिससे कि वो बीस्ट वहाँ पर आए, पर गलती से गोली उसके एक फ्रेंड यानी कि जूलियन को लग जाती है और जिसके ऑन द स्पॉट दोस्तों वहीं पर ही डेथ हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टोनी आ गई थी यानी कि वो लड़की टोनी आ गई थी और वो उससे गन छीनने की कोशिश करती है पर वो उसे गन नहीं देती। वहाँ पर फिर डैनी आता है और देखता है कि क्या टोनी को कुछ लगा तो नहीं, वो उसको देखता है कि वो क्या ठीक है। तभी वहाँ पर जॉनसन आता है जो कि वहाँ पर सैली की नार पर एक चक्कू रख देता है, उसे मारने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मारता, वो सिर्फ उसको डरा रहा था। पर जॉनसन दोस्तों जो है वो सही में ऐसा कर देता है और उसको ऑन द स्पॉट ही मार देता है। लास्ट में सिर्फ टोनी बची थी तो डैनी टोनी को भी मार देता है। अब यहाँ से दोस्तों जो सीन है वो फिर से चेंज होता है और हम लोग इस रिजॉर्ट की सेरेमनी को देख रहे थे जिसमें जो डैनी था वो अपने लोगों के साथ था और वो वहाँ पर तीनों बीस्ट भी थे और एंड में वो सैली के साथ एक इंटीमेट सीन करता है और वो सब लोग देखकर उसे क्लैपिंग कर रहे थे। यहीं पर दोस्तों हमारी मूवी जो है वो एंड होती है।